तो जो लास्ट हमने अपना लेसन किया था एमएस वर्ड का, वो आज हम कंप्लीट करेंगे अपना। उसमें हमने पढ़ा था उसके पार्ट्स के बारे में, जैसे टाइटल बार, रिबन, फाइल टैब, पेज इन्फॉर्मेशन, और सॉरी डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, स्क्रॉल बार। अब हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो आपका है क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। अगर आपको कोई न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसके लिए आप कैसे बनाएंगे? तो फर्स्ट है आपका स्टेप जो है वो है, आप अपने फाइल टैब पे क्लिक करोगे। तो ये आपका फाइल टैब है, इस पर आप क्लिक करेंगे, अपना कर्सर यहाँ लेके जाएंगे और इस पर क्लिक करोगे। ये आपका न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करोगे और आपकी ये देखिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिख रहा है आपको, इस पर आप क्रिएट पे क्लिक कर दोगे तो आपका एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका टाइपिंग इन एमएस वर्ड। टाइपिंग आपका सिंपल है, जैसे आपको सिखाया है सेकंड क्लास में कि कीबोर्ड पे हम कैसे काम करते हैं, तो कीबोर्ड की मदद से आपको जो भी टाइप करना है आप उसमें टाइप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, मैंने यहाँ पे टाइप किया है माई नेम इज़, इसका साइज पहले बड़ा कर लेते हैं, माई, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में तो कर्सर और इंटर की क्या क्या यूज़ होता है, बैक स्पेस का क्या यूज़ है, अल्फ़ाबेट कीज़ का क्या यूज़ है, ये सारे यूजेस आप पढ़ चुके हो। उन्हीं सारे कीज़ का यूज़ करके आप अपने कंप्यूटर में अपने जो भी आपको टाइप करना है वो आप एमएस वर्ड में टाइप कर सकते हो। एंड देन लास्ट अगला है आपका सेविंग डॉक्यूमेंट। सेव करने का क्या प्रोसेस है? अब जैसे मैंने लिखा है माई नेम इज़ सबा, अब मुझे इसे सेव करना है, तो हम सेव कैसे करेंगे? ऑफिस बटन पे जाएंगे आप, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है सेव एज का ऑप्शन, अब इस पर आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट का नाम, फाइल नेम, सेव एज अ टाइप, वर्ड डॉक्यूमेंट है तो वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा आएगा। फाइल नेम में आप कोई भी नाम लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ से ये हटा के सिर्फ सभा लिख देती हूँ। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आप सेव पे क्लिक कर दोगे तो ये जो फाइल है आपकी वो सेव हो गई है। सेव करने का सिंपल तरीका है, अपने ऑफिस बटन पे जाइए, सेव एज पे क्लिक करिए, फाइल को कोई जो आपको नाम देना है वो नाम दे के आप उस पर सेव पे क्लिक कर दीजिए। ओके, अब आपने अपनी फाइल सेव की, अब आप क्लोज द एमएस वर्ड। एमएस वर्ड जब आप पूरा काम कर लोगे तो आप इसे बंद करोगे। अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए दो मेथड्स हैं यहाँ पे, ये जो सिंपली आपको समझाया था, तीन बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। तो क्या करेंगे हम, पहला मेथड ये है कि आप उसको यहाँ से क्लोज कर दोगे, ये देखो बंद, वो आपने दो फाइल खोल रखी थी ना, इसलिए वो एक बंद हो गई, दूसरी बंद नहीं हुई थी। ठीक है, अगला है आपका, अब दूसरा तरीका, ये पहला तरीका था कि डायरेक्ट आपने क्लोज बटन दबाया और वो बंद हो गई, ये देखिए हो गया क्लोज, क्लोज बटन से। अब जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप अपने फाइल टैब में जाएंगे, ऑफिस बटन में, और यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन आएगा नीचे, ये रहा, ये देखो ये रहा ना, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब अपने होम टैब में जाएंगे और एग्जिट वर्ड पे क्लिक कर दोगे, हो गया। ये दो तरीके थे आपके क्लोज करने के। अब अगला है प्रिंटिंग अ वर्ड डॉक्यूमेंट। मान लीजिए आपने अपना कोई लेटर टाइप किया है, कोई स्टोरी टाइप किया, अब आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है, प्रिंट आउट पता है ना, जैसे फोटो कॉपी होती है उसी तरीके से प्रिंट आउट होता है। तो जो प्रिंट आउट निकालना है उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम अपना एमएस वर्ड ओपन करेंगे और जो भी आपने टाइप किया है उसके बाद आप अपने ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, ये आ रहा है प्रिंट का ऑप्शन, ये है आपका प्रिंट का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे दे रखा है इसने कि कितने पेजेस में चाहिए, स्कैन पेपर का साइज क्या होगा, ये सब आप इसमें फिल करेंगे और ओके पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो प्रिंट आउट है वो निकल जाएगा। मुझे अभी नहीं निकालना है इसलिए मैं आपको सिर्फ समझा दे रही हूँ, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब ये हो गया आपका। एक और तरीका है प्रिंट निकालने का, वो जो सिंपल तरीका है कि शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हो। शॉर्टकट की में आपको यूज़ करना है कंट्रोल और पी, इन दोनों को आप एक साथ प्रेस करेंगे, मेरा हाथ इतना लंबा पहुंच नहीं रहा है वैसे, तो कंट्रोल और पी को जब आप एक साथ प्रेस करोगे तो आपका तब भी डॉक्यूमेंट प्रिंट हो सकता है।
तो ये आपका लेसन था, इसके बैक एक्सरसाइज हम आगे करेंगे। ओके क्लास, अब हम अपनी बैक एक्सरसाइज करेंगे। तो पहला है फिल इन द ब्लैंक्स। द डैश ऑप्शन श्रिंक द विंडो साइज, तो मिनिमाइज आएगा। अ डैश हेल्प टू नेविगेट द डॉक्यूमेंट स्क्रॉल बार। ऑल द डॉक्यूमेंट इन एम एस वर्ड 2000 गेट सेव विद एक्सटेंशन, डॉक्स एक्सटेंशन आएगा। अ वर्टिकल लाइन एट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द ब्लैंक डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द ब्राउजर बटन। तो ये काम आपको अपनी कॉपी में करना है। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स। द कर्सर शो द प्लेस ऑफ द टेक्स्ट इट अपेयर ऑन टाइपिंग। कर्सर वहाँ पे शो करता है जहाँ पे आप टाइप कर रहे होते हो, तो ट्रू है। वी कैन सेव फाइल बाय क्लिकिंग ऑन इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में क्लिक करके आप फाइल सेव कर सकते हो, तो फॉल्स आएगा। द जूम बटन इज प्रेजेंट इन क्विक एक्सेस टूल बार, तो फॉल्स। क्लिक ऑन द प्रिंट बटन टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट, तो प्रिंट करने के लिए आप प्रिंट बटन पे ही क्लिक करोगे, तो ये ट्रू है। तो ये सारा काम आपको अपना करना है कॉपी में, और बहुत साफ साफ करना है। ओके बाय।